बैठो। अच्छा एक एक करके घुमा देते। एक से क्लियर आवाज आ रही हो क्योंकि भाई हमने रोड वाला माइक जो था वो लगा लिया। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला ही था भाई रोड वाला जो माइक है अपना वो आ जाएगा। देखो अभी इसने लिखा भाई और ये रुक गया रिकॉर्डिंग। बैटरी लो भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बस क्या प्रॉब्लम हो चुका है इस GoPro के साथ यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज के लोग अपन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे भाई, आज अपन राइड करने वाले अपनी MT15 ज़ारा को। एंड भाई आप लोगों को मैंने बताया था भाई अपना जो माइक था ना वो रोड वाला भाई वो छोड़ गया था पुणे में, तो रोहन वो लेकर आ चुका है। तो आज के वॉइस में भाई बहुत क्लैरिटी होने वाली क्योंकि माइक हमारा वापस आ चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकलने वाले भाई बाइक राइड करेंगे। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको भाई अपनी गॉडज़िला भी दिखने वाली है क्योंकि आप सबको पता है यार गॉडज़िला हम लोग इसलिए नहीं राइड कर रहे थे क्योंकि यार बिना आवाज के ना भाई मजा नहीं आता, सोनी वाले माइक में ना उतना मजा आता नहीं है। तो गाइस बिना लेट किए आप लोग सीधे मिलते हैं ऑन बाइक एंड बाकी की बातें करेंगे ऑन GoPro। तो घूमना है बैठ गया, अरे तीन नहीं बैठो। अच्छा एक एक करके घुमा देते। अरे भाई गिर जाएगा। अरे भाई लोग बच्चे लोग बैठ गए बाइक पे और बोल रहे घुमाने के लिए। आराम से बैठो आराम से। कितने लोग बैठे पीछे? अच्छा चलान हो जाएगा तो यहाँ रोक देते। यहाँ पे कितना? तीन लोग बैठा है कि दो लोग? लाड़िया नहीं आता मारने? लाड़िया मारने नहीं आता क्या? करे धीरे धीरे। हाँ हाँ चक्का उठा के गिरा दे तुमको। अरे नहीं, अरे नहीं आता हमको चक्का उठाने। अरे नहीं आता। अच्छा एक बार उतर उतर यहाँ पे रुको, उधर बहुत लोग हैं, फिर सब जाने बोलेगा। पूल में उतार के मेरा घर। देखो देखो सब दौड़ के आ रहा है, सब दौड़ के आ रहा है। देखो देखो अरे भाई ठीक है चलो चलो हटो 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 हटो। अरे भाई आज बच्चे लोग ना घेर लिए पूरे के पूरे। लहरिया नहीं आता मारने, क्या करे बताओ। चलो पुल में छोड़ दिए, उतरो तुम्हारा घर है छोड़ दिया, नहीं तो पीछे से सब आ जाएगा। हंसी खाली कर रहा है नहीं, पैसे का घुमाए ना, जाओ घूमो। बाबा रे भाई बच्चे लोग ना भाई, मैं बाइक रोका सोचा था भाई बाइक के कुछ फोटोज निकालूं, यहाँ पे अच्छा व्यू आ रहा था। ये लोग पूरे के पूरे भाई एकदम दौड़ते हुए, मैंने कैमरा भी मेरा ऑफ था भाई, और ये लोग एक बार करके इतने सारे बच्चे आ गए, मैं किसको किसको बिठाऊं भाई। छोटी सी बाइक है यार, इस पे दो दो लोग बैठ गए, फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है यार कोई नहीं। ये लोग बोले थे भाई हेलमेट उतारने के लिए, हीरो लग रहे हैं भाई, हेलमेट के अंदर ही हीरो लग रहे हैं, हेलमेट खोलने के बाद हीरो नहीं लगेंगे शायद। अभी मैं वेट कर रहा था हर्ष के आने का यार, हर्ष जल्दी से आ जाए। आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा हेक्टिक था, बहुत सारा काम करना था हमें। एंड एक्चुअली सीन ये है ना भाई, मतलब आज हो गया, आप जो वीडियो देख रहे हो बस इसके अगले दिन हम लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई, क्योंकि अपना एक इवेंट है वहाँ पर, उसके लिए जाना है हमें। तो भाई देखो मतलब मैं सोच रहा था भाई अभी पटना में रह के और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाऊँ आपके लिए, बट कोई नहीं वहाँ जा रहे, वहाँ पे भी कुछ क्रेजी क्रेजी कॉन्टेंट्स आने वाला है, तो स्टे ट्यून ज़रूर रहना भाई। फिलहाल मैं उधर वापस से जाऊँगा ना, उससे बेटर है कि भाई यहीं रुक जाता हूँ, वरना फिर सारे के सारे बच्चे पीछे पड़ जाएंगे। तो भाई लोग वापस से आ चुके हैं इधर, अब जल्दी से निकल जाते हैं वरना फिर ये लोग रोक लेंगे मुझे। और भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई, स्पीड कैम्स ना मतलब हर तरफ लगे पड़े। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये सिर्फ विजिलेंस कैमरा नहीं है, इसमें स्पीड सेंसर भी लगे पड़े। तो जो लोग भी सोच रहे हो भाई कि इन सब कैमरे से बच जाओगे अगर आप विदाउट हेलमेट घूम रहे हो, या फिर अगर आप मतलब कुछ भी गलती करके घूम रहे हो, तो भाई बच के रहना, मैं क्लियर बता रहा हूँ। बाकी ठंड लग रही है भाई आज मेरे को ना, मतलब इतने दिन के बाद आज लग रही है कि नहीं आज प्रॉपर ठंड हुई है भाई, बाकी दिन से इतनी ज़्यादा ठंड तो थी नहीं भाई। मैं सोच रहा था भाई आज ना मतलब प्रॉपर बाइक लेकर अच्छे से राइड करूँगा, कुछ फ्रेंड्स भी अपने आने वाले थे, लेकिन ठंड की वजह से सब लोग बोल रहे हैं नहीं पॉसिबल है निकलना। अभी एक मुझे शूट करना था ब्रांड का, वो शूट कर लेते हैं जन विथ ऑल शूट्स एंड ऑल। भाई जो इम्पोर्टेंट काम है ना भाई पहले वो अपन कर लेते हैं, जो काम था हमारा वो सारा कुछ हो गया। आई होप आपको आज ना माइक से क्लियर आवाज़ आ रही होगी क्योंकि भाई हमने रोड वाला माइक जो था वो लगा लिया। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला ही था भाई रोड वाला जो माइक है अपना वो आ जाएगा। फुल थ्रॉटल भगाने में ना जो मज़ा आता है इस बाइक को यार,
दिस बाइक गो स्टिल 12,000 आरपीएम। अगर भाई मतलब और ज़्यादा आरपीएम मिल जाना भाई तो ये 155 सीसी की बाइक होगा ना, अच्छे अच्छे बाइक को डिफीट कर देगी। ऑल द सबको पता है भाई, मतलब इस सेगमेंट में ये बाइक जहर है, बिल्कुल जहर। तो अभी शाम हो चुका है, लगी थोड़ी भूख, चलते भाई कुछ खाने पीने पहले मस्त। और आज ना भाई मतलब देखो ठंड अचानक से बढ़ गई ना, इसलिए बाकी के फ्रेंड्स ने दे दिया धोखा। एंड भाई नेक्स्ट व्लॉग में आपको गॉडज़िला ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं बस माइक के लिए ना वेट कर रहा था, और एक्चुअली आज मैं सोचा था गॉडज़िला को ही राइड करने का, बट ये था ना कि भाई हमें इस बाइक पे कुछ शूट करना था, वो शूट सारा हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में गॉडज़िला देखने को मिलेगी। माइक की कमी की वजह से हम लोग गॉडज़िला को राइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि यार आप सबको पता है वो सोनी वाले माइक में ना भाई, वो देखो भाई कितना खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। आई विश आपको ये गोप्रो दिखा पा रहा होगा, ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे मेरे नज़रों से तो दिख रहा था, बट गोप्रो का पता नहीं। और ये वाला जो वॉल है ना भाई, इसके जस्ट पीछे ना रनवे है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे ना मतलब फ्लाइट लैंड होते हुए टेक ऑफ होते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही मतलब पास में यार, बहुत ही ज़्यादा पास में। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस एकदम जस्ट ऊपर से जा रहा है फ्लाइट। मुझे ना पटना का सबसे अच्छा चीज़ लगता है ये ना कि भाई जो एयरपोर्ट है ना वो शहर के एकदम बीचों बीच है, मतलब आप कहीं से भी जाओ ना तो 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे मैक्स टू मैक्स। बाकी हर जगह का मैंने देखा यार, मतलब मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में भाई, जो भी मेट्रो सिटीज़ है उसमें भाई अगर आपको एयरपोर्ट से निकल के अपने घर तक जाना है, अपने फ्लैट तक जाना है, तो आपको नहीं भी तो कम से कम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगते हैं। बट इस जगह का ये खासियत, अभी ये वाला जो बिल्डिंग है ना भाई, ये बहुत ही जल्द बन जाएगा ना, तो फिर एयरपोर्ट और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अंदर देखो अंडर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब आपको मुंबई जाने टाइम ना दिखाएंगे अंदर कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है। तो भाई जो भी लोग हैं पटना से उनको मैं अपडेट दे रहा हूँ भाई कि देखो बहुत ही जल्द ये भी अच्छा हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे ना भाई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है हमारा पटना, देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है यार। मतलब अपने पटना में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना ग्रोथ हो रहा है भाई सिटी का, मैं तो भाई प्राउडली बोलता हूँ। मतलब कोई भाई, बहुत लोग होते हैं ना ऐसे भाई छुपाते हैं कि पटना से हो बिहार से हो, मैं प्राउडली बोलता हूँ भाई मैं पटना से हूँ बिहार से हूँ, आई एम रेडी टू रिप्रेजेंट माय सिटी माय स्टेट। मुझे ना कहीं भी शर्म नहीं आती यार। बहुत लोग बोलते हैं भाई पटना से हो बिहार से हो, बिहार का नाम सुन के ना मतलब बहुत सारी चीज़ आता मन में। देखो यार मैं क्लियर बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो ऐसा बिहार पहले जैसा, देखो ये देखो डिफेंडर भाई, मतलब अब वो पटना नहीं रहा भाई, ऐसे ऐसे कई डिफेंडर और कई ऐसे ऐसे लग्जरी कार्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके भाई, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है, आप लोग हमेशा याद रखना। ये पुलिस वाले भी जेड ब्लैक करके घूम रहे हैं, ये देखो कंप्लीट जेड ब्लैक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी हमें जाना है इस वाले कैफ़े पे, अभी बाइक कहाँ लगाए वो देखते हैं। चलो यहाँ पे जगह यहीं पे डाल देते हैं। तो खा पी के अपन मस्त यहाँ से निकल रहे भाई, एंड आज का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है भाई। अचानक से ना यार ठंड ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है भाई खाने के बाद ठंड ज़्यादा लगती है, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता तो कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई साहब ठंड लग रही है यार, मैंने बस एक हुडी पहन रखा और कुछ भी नहीं। वैसे मैं ना अभी एक रील स्क्रॉल कर रहा था भाई, बहुत सारे मतलब बैठ के ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था, तो देखा भाई भाई आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है बाइक पे कार पे अपने मतलब जो भी फॉलोअर्स है या भी जो भी सब्सक्राइबर उनका नाम लिखने का। भाई मुझे सच बताओ तो ना यार, देखो जो कर रहे अच्छी बात है कर रहे यार, उनके लिए अच्छा होगा, बट भाई आप ना इस मशीन से अगर प्यार करते हो ना तो भाई आप नाम लिख लिख के ना उसे ख़राब नहीं करोगे कभी भी। देखो आई नो गाइस आप लोग इसके लिए भाई कुछ भी बोलो, बट मैं ना अपने बाइक से अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार करता हूँ। देखो आई नो आप लोग भी भाई आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को यार, कि नाम लिख जाने से ना भाई ये बस सिर्फ और से फॉलोअर गेन करने का एक नया तरीका हो चुका है और कुछ भी नहीं। कि आप कमेंट करो, अच्छे कमेंट आएंगे तो अच्छा रीच मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं भाई। नाम लिखने से ना आपको कोई फ़ायदा होने वाला है भाई। एक और डिफेंडर देखो, ये चेकआउट करो भाई, डिफेंडर तो ऐसे भर चुकी है कुछ कहना ही नहीं यार। तो भाई मैं बोल रहा था कि नाम लिखने से ना आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, और जो भाई आपके कमेंट मतलब आपको बोल रहा कि कमेंट करो अपने नाम लेटर बाय लेटर, तो भाई उन्हें वो रीच मिल रही है और कुछ भी नहीं है यार। दिस इज़ जस्ट अ ट्रैप भाई, आप लोग प्लीज़ दिमाग में ये चीज़ डाल लो। देखो इफ़ यू आर लविंग समवन, इफ़ यू आर केयरिंग फॉर समवन, अगर आप किसी को सच में दिल से फॉलो करते हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो ना,
तो इट्स गुड टू डू दिस, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ भाई, अब जो भी लोग ना ये लिख रहे हैं ना भाई, भाई अगर वो पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर लिख के रखेंगे ना, तो आप बोलो उन्हें कि हाँ अगर आप कर रहे हो तो हमेशा के लिए आपके गाड़ी पे रहना चाहिए। भाई जब फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे, कंटेंट निकल जाएगा, उसके बाद वो लोग हटा देंगे भाई, ये डैम श्योर रहना। आप लोग चाहते हो कि भाई आप भी मतलब नाम लिखवा कर यहाँ पे गाड़ियों पे, और उसके बाद ये पैनल्स कहीं फेंका रहे या इसके ऊपर से कोई पेंट हो जाए, तो बात ही कुछ और है। बट मेरे को ना ये चीज़ समझ ही नहीं आता भाई, क्या लॉजिक है भाई ये चीज़ ना। मैंने काफ़ी टाइम पहले मतलब लगभग 2 साल पहले देखा था भाई, एक फॉरेन का यूट्यूबर था, मतलब आउट ऑफ इंडिया का एक दूसरे कंट्री का यूट्यूबर था, वो ये चीज़ कर रहा था भाई। उसने अपने पोर्शे पे लिखे था भाई सबके नाम। तो ये चीज़ ना बहुत पहले देखा था भाई। इंडिया में ना थोड़ा लेट से इस चीज़ का ट्रेंड आया, लोग बाइक्स पे नाम लिख रहे हैं, कार पे नाम लिख रहे हैं। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई, नाम लिखने से फ़ायदा क्या हो जाएगा? अगर नाम लिखने से मुझे कुछ फ़ायदा है तो बता दो। रात को ना ऐसे अकेले घूमने में ना भी एक अलग सा मज़ा आता है। अभी रात हुई नहीं एक्चुअली, शाम ही हो रही 6 बजे और अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो चुका है। विंटर्स का ना ये भाई एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है भाई हमारे जैसे व्लॉगर के लिए स्पेशली। शाम भी होता है ना भाई, तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि लगता है रात हो रहा है। और भाई विंटर्स के दिन ना बहुत ही ज़्यादा लेजी वाले हो जाते हैं, लगता है भाई कुछ करने का मन ही नहीं होता, आलस सा होता है भाई पूरे बॉडी में। अभी हमें जाना है अपने एक फ्रेंड के बर्थडे में, फ्रेंड कौन है वो आप लोग को आगे दिखाएंगे, तो उसके बर्थडे में जाना है। बट टाइम जो है उसने दिया है वो 7:30 के बीच है, अभी 6 बज रहे, तो मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे मस्त अभी गेड़ी मारने का, उसके बाद आराम से जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं घर चला गया ना, फिर इट्स नॉट पॉसिबल कि घर जाने के बाद बाइक निकाल कर फिर से जा पाऊँ। कार होता तो अलग बात है भाई, कार लेकर आदमी निकल जाएगा भाई, थोड़ा अगर लेजी भी हो रहा है ना कार में निकल सकता है। बट विंटर्स में ना भाई बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, सच बता रहा हूँ। इस बाइक को मैं जितना रेड लाइन करके चलाऊँ ना भाई, बिल्कुल मज़ा सा आता है, और भाई मन नहीं भरता इस बाइक से मेरा बिल्कुल भी। शिट मैन भाई, यहाँ पे तो मैं ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो मज़ा बाई रोड आता ना अपनी गाड़ी से जाने में, इसीलिए भाई बहुत लोग ये भी पूछते ना कि अपनी गाड़ी से आप इतना कैसे ट्रैवल कर लेते हो। भाई अंदर ना बस एक जुनून होने चाहिए भाई, आप कहीं भी जा सकते हो। लोग तो भाई बाई रोड कहीं भी जा रहे हैं, आप देख सकते हो भाई लोग लंदन जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मैं पुणे भी नहीं जाऊँ यार बताओ, ये तो बहुत ही पास में फिर भी अगर देखा जाए तो। भी ऑनेस्ट ना मैं उन लोगों को ना एकदम सैल्यूट करता हूँ भाई, जो लोग इतने लंबे डिस्टेंस पे भाई बाय रोड जाते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ 1,500-2,000 किलोमीटर ड्राइव करने में ना भाई बंदे की ना हालत ख़राब हो जाती है। अगर कोई इंसान 10,000-10,000 किलोमीटर की रोड ट्रिप कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी कार में करे भाई, देखो कोई भी कार हो कितना भी कंफर्टेबल हो, आपको बैठना पड़ता है सिटिंग पोजीशन में ही, मतलब आप जैसे चेयर पे बैठते हो ना उसी टाइप से बैठना पड़ता है भले कितना भी कंफर्टेबल हो। तो वो जो पार्ट है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है आपके बॉडी में भाई, एकदम ऐसा लगेगा ना कि भाई बस इसको रोक दो और मुझे एक अच्छा सा बेड दे दो यार, बस बेड पर सोना है, ऐसा वाला फील आता है। बट आप आराम से अगर रेस्ट ले लेकर टाइम ले लेकर जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा है भाई एक और नए सड़क से, भाई लोहिया चक्र करके एक रास्ता खुला पटना में, आगे दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पे। वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ना, मैं भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज भाई, किस चीज़ का तार है यार। यार ये जो टिंटेड वाइजर है ना, इसमें हर चीज़ ना थोड़ा लेट से दिखता है, तो भाई थोड़ा आराम से चलना पड़ता है, विजन का इशू तो है। लेकिन भाई ये जो टिंटेड वाइजर है ना, इसके बाद हेलमेट का लुक कितना अच्छा हो गया यार। आप लोगों ने भाई बहुत सारे लोग ने कमेंट किया था हेलमेट कौन सा भाई, ये एक्सोर का कार्बन एडिशन है और ये भाई फॉर्ज कार्बन फाइबर है। मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूँ भाई, फॉर्ज कार्बन फाइबर इज़ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन फाइबर, जिसका भाई स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब जो टेक्सचर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं नॉर्मल कार्बन फाइबर से। ये देखो भाई क्या सही लग रहा है ये रोड। मैंने आपको बोला ना भाई इतने नए नए रास्ते बन चुके हैं, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि आपको पटना बिल्कुल अलग ही दिखेगा। अभी आपको क्या लग रहा है भाई, ये देखो ये रहा, ये भाई इंडिया नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं बाहर राइड कर रहा हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, देखो वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में गाड़ी जा रही है और राइट हैंड साइड वाले में गाड़ी इधर से जा रही है, जबकि हम लोग का इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, सब कुछ उल्टा चल रहा है जीवन में। अभी आपको लेके चलते हैं एक और अंडर टनल से, अंडर टनल देखो भाई ये चेक करो। अभी भाई ऐसे ऐसे ना बहुत सारे रास्ते बनने वाले पटना में, ये देखो। पता नहीं गोप्रो के साथ क्या पंगा हो गया भाई, हमने व्लॉग वगैरह शूट किया, बट अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ भाई, चलते चलते ना ऑटोमेटिकली बैटरी देख लो 45% अभी शो हो रहा है, ऑल ऑफ सडन लिखेगा बैटरी लो और ये गोप्रो हैंग होकर ऑफ हो जाएगा। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या भाई इसके साथ, बैटरी हमने भाई जबकि 45% अभी भी चार्ज देख सकते हो।
ये देखो अभी इसने लिखा भाई और ये रुक गया रिकॉर्डिंग, बैटरी लो भाई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बस क्या प्रॉब्लम हो चुका है इस GoPro के साथ यार। तो अभी हम लोग व्लॉग करके वापस घर आ चुके थे भाई, आपने देखा यार क्या हाल हुआ GoPro का। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई प्रॉब्लम क्या है भाई, बैटरी 45% है स्टिल भाई लिख रहा है GoPro का बैटरी लो और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है भाई। मैं व्लॉग शूट कर रहा था बीच में भाई बार बार ऑफ हो जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। बैटरी चेंज करके देखते भाई, बट भाई इट्स नॉट पॉसिबल कि आदमी हमेशा जब भी राइड करने निकले जब भी व्लॉग करने निकले तो एक्स्ट्रा एक दो बैटरी कैरी करे, क्योंकि शॉर्ट राइड में ना भाई कोई मतलब बनता नहीं एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करने का। शायद बैटरी खराब हो चुका होगा या पता नहीं GoPro का कुछ अपडेट होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स थे ना भाई सारे गए पानी, मतलब बेकार हो गए सारे के सारे। तो कोई नहीं यार ब्लॉग एंड करते वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ऐसे ऐसे चीज होते हैं ना भाई मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। लास्ट ब्लॉग में भाई मैंने भाई रिकॉर्ड किया था और 2 मिनट 28 सेकंड होकर रुक गया यार। मैं सोच रहा हूँ GoPro ही चेंज कर दूँ, इस बार वही करना पड़ेगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ गाइस, एंटिल देन बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।